अब प्रॉफिट बजेंद्र मिस्त्री एक्शन में आ गई है, जो उल्ट सुल्ट बोलता है यूट्यूब पर उसके खिलाफ कंप्लेंट बनानी है और आपने डाल देनी उसके खिलाफ और उसको अंदर करा देना। वो रतन यादव है और दूसरा ये ज्योति शर्मा है, इनके अगेंस्ट FIR हो चुकी है। दोस्तों अभी हमारे सामने एक वीडियो निकल के आया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर क्या माहौल चल रहा है। प्रॉफिट बजेंद्र जी की मीटिंग रोकने के लिए ज्योति शर्मा और रतन यादव हर एक तरीके का प्रयास कर रहे हैं और वो दोनों किस तरीके का बयान दे रहे हैं और बोल रहे हैं रोको टोको ठोको का अभियान चलाना पड़ा तो हम इस मीटिंग को रोकने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे सामने यहाँ पे एक वीडियो निकल के आया है कि ज्योति शर्मा का गिरफ्तारी वारंट है वो निकल के आ चुका है। उसे गिरफ्तार करने के लिए हाई कोर्ट से फैसला आया है कि उसे गिरफ्तार किया जाए। अभी मैं जो आपको वीडियो दिखाने जा रही हूँ प्लीज उसको पूरा देखिएगा और शेयर कीजिएगा। ये सारे हमारे स्पिरिचुअल सन और डॉटर हैं। आप कहाँ पर हो वकील? वकील हो कितने साल से? मैं 20 साल से। आप कहाँ पे हो? हाई कोर्ट। आप कहाँ पर हो? और ये देखो पूरा कैबे हाथ लाओ वकील, सारे हाथ उठाओ। मैंने कहा ना सारे वकील बुलाऊंगा और अपने स्पिरिचुअल सन और अभी थोड़े से आए नहीं अभी और आएंगे, जो उल्ट सुल्ट बोलता है यूट्यूब पर उसके खिलाफ कंप्लेंट बनानी है और आपने डाल देनी उसके खिलाफ और उसको अंदर करा देना। हाँ वीडियो देखने को मिला है मुझे, जिसमें अभी बहुत जोर शोर से ये आप इसमें देख भी सकते हैं जोर शोर से जिसमें प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये समय आ गया है कि अब ईसाई समाज को सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा। आपने देखा हुआ है हाल ही में वो एक महिला है वहाँ की भिलाई की, ज्योति शर्मा नाम है, बहुत फैली जा रही है। उसको मैं बता देना चाह रहा हूँ, आप लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ कि ये दो जो धन है, एक वो रतन यादव है और दूसरा ये ज्योति शर्मा है, इनके अगेंस्ट FIR हो चुकी है, अरेस्ट वारंट निकल चुका है और अरेस्ट वारंट के बाद हम लोग हाईकोर्ट तक गए हुए हैं। हाईकोर्ट ने पुलिस को बोला इन दोनों को गिरफ्तार करके लेकर के आओ। पुलिस वहां पे बता रही है कि ये दोनों फरार हैं, इसलिए हमको नहीं मिल रहा है करके इन लोगों ने हाईकोर्ट में ऐसा जमा किया हुआ है। हम लोग चुप बैठे हुए थे क्योंकि हमारा आक्रमण करना हमारा ध्येय नहीं रहता है, पर अगर ये इतना ही फैल रहे हैं तो ये मैं सारी जानकारी आज स्पेशल फोरम के पास है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है और हाई कोर्ट को जो पुलिस बेवकूफ बना रही है, जो पुलिस यहाँ से लिख रही है कि फरार है, उसके भी सारे दस्तावेज हमारे पास है। ये देखिए ये मेरे हाथ में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का है, इसके तहत सारा कानून हमारा देश का संचालित होता है। इसकी धारा 43, ये है धारा 43। ये धारा 43 में आपके नॉलेज के लिए पढ़ के सुना देता हूँ। ये है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और उसकी प्रक्रिया। जब पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती है तो आम नागरिक को भी गिरफ्तार करने का अधिकार है। ये आप सुन लीजिए, आप लोग तैयार हो जाइए, फोरम का यहाँ पे दल आएगा, हम लोग उसको प्राइवेट गिरफ्तार करेंगे और पकड़ के लेके थाने में जाएंगे। सारा कानून हमको मालूम है, इन दोनों को पकड़ के लेके जाएंगे और थाने में जमा करेंगे और थाने में दम होगा तो इनको छोड़ के दिखाएंगे और कहां पे हाईकोर्ट में क्या करना है। ये फोरम आपके साथ है कि हमने बहुत अपमानिता सह लिया है। हमारी तो बाध्यता ये थी कि जो वहां के पादरी हैं ये आपस में इतना लड़ते हैं कि आखिर जो विश्वासी है उसको कोई किस्म से मुक्ति या कोई किस्म का चयन नहीं मिल पा रहा है। इसको तो हम कब से आते हैं, जब भी हम आते हैं तो हमारा विरोध कुछ 2-4 चुने पादरी लोग करते रहते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए दे दिया हूँ। पानी सिर के ऊपर से निकल गया है, अगर आपको जिले ही बचाना है, इनकी क्या औकात है जो बिजेंद्र सिंह हो, हम तो ठीक है, हम बिजेंद्र सिंह का समर्थन करते हो नहीं करते हो वो हमारा मामला है जी। तुम कौन होते हो हमको रोकने वाले, तुम कौन होते हमारे संवैधानिक अधिकारी छीनने वाले। और माननीय कलेक्टर जी को भी मैं बता देता हूँ, उनने अभी हाईकोर्ट में लिख के दिया है कि मैं 24 और 25 को सुरक्षा का प्रबंध नहीं कर पाऊंगी। तो मैडम बिल्कुल आप प्रबंध मत करिए, हम अपना प्रबंध कर लेंगे। 24-25 को हमारी वहाँ की सभा होगी क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार हमारा है। आपने 28-25 को आपको करना है वो आप करते रहिए, हमको अपनी जो सुरक्षा करनी होगी हम अपनी सुरक्षा अपने आप कर लेंगे। अब ये समय आ गया है कि हम ईसाई समाज अपनी सुरक्षा का खुद सोचे। वैसे ही मैं चेतावनी देता हूँ,
जो पॉल दीना करंट की मीटिंग के लिए जगदलपुर में हो हल्ला मचा रहे हैं, वहाँ भी फोरम आएगा और वहाँ भी इंस्टीट्यूशन से घेराव करेगा। एक बार आप लोगों ने हमारा हेट स्पीच का किया था, हमने सद्भावना में उस वापस ले लिया था उस केस को, अब और ऐसा नहीं होगा। जहाँ के उप मुख्यमंत्री हमारे पवित्र हालेलुया को लुलु लुलु लु करके मजाक उड़ा रहे हैं, तो वहाँ पे हम और बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। वहाँ पे रायबरेली भगत हमको बोलती है, जो विधायक है भाजपा की, वो कहती है कि क्रूस पे कील ठोक दिया है, इस समय से कील नहीं निकाल पाया, तो वह इस किस्म से उसने हमारा मजाक उड़ाया है। ये हमारा अब सहने की क्षमता पार हो गई है। सड़क पे उतरिए और जिस किस्म से आप लोग अभी उतरे हैं उससे मेरा बहुत उत्साहवर्धक हुआ है। हम किसी भी पादरी अगुआ इसके रास्ता देखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे धर्म का अपमान है, हमारे विश्वास और भावना का अपमान है। सड़क पे उतरने की तैयार हो जाइए, फोरम आपके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। दोस्तों, आप सभी ने देखा जो छत्तीसगढ़ के मसी स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बोला है कि हाई कोर्ट से फैसला आया है कि ज्योति शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वहाँ की जो पुलिस है वो बोलती है इस बात को लेके कि ज्योति शर्मा और रजत यादव दोनों फरार हैं। अभी इन्होंने बोला है कि हमारे देश का जो कानून है हम उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम उस संविधान का और कानून का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करेंगे। हम इस कानून को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब पुलिस गिरफ्तार ना करे तो एक साधारण व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है, या अधिकार दिया गया है। उन्होंने बोला कि अब हम खुद ज्योति शर्मा को गिरफ्तार करेंगे। और आप सभी तो जानते हैं ये सब किस तरीके के भड़काव भाषण दे रहे हैं। ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रोफेट विजेंद्र जी का मीटिंग को रोकने के लिए, और ये लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं और ईसाई लोग ऊपर कितना ज्यादा विरोध करते हैं और मसीह लोगों के ऊपर दबाव डाल के धमकाते हैं और डराते हैं। और फाइनली दोस्तों, ज्योति शर्मा के लिए हाई कोर्ट से गिरफ्तारी का ऑर्डर आ चुका है, लेकिन पुलिस बोल रही है कि ये फरार है। लेकिन दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं सोशल मीडिया पर इनकी कितनी वीडियोस निकल के आ रही है और इनके कितने सारे इंटरव्यू निकल के आ रही हैं, लेकिन ये फरार होते तो इस तरीके का वीडियो निकल के नहीं आता। लेकिन आप लोग तो जानते हो किस तरीके से जो हमारे देश के संविधान लेके चलते हैं उनके साथ गलत करते हैं, और जो संविधान तोड़ते हैं उनके साथ कुछ नहीं करते हैं। बाकी दोस्तों, मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगी, आप लोग सब मिलके प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर भला है और दया करने वाला। जब परमेश्वर किसी को बदलने पे आए तो एक पल के लिए भी टाइम नहीं लगाएगा। आप सभी तो जानते ही होंगे कि बाइबल के अंदर पौलुस एक समय पर साउथ था। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है जिसने प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ को चखा। मुझे लगता है कि जो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमें सबसे ज्यादा इस टाइम प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हाँ, हम लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, बाइबल भी इस बात को सिखाता है, लेकिन जब हमारी प्रार्थना मजबूत होगी तो परमेश्वर किसी के भी मन को एक क्षण में बदल देगा। इसीलिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और जो मुद्दे हमारे सामने निकल के आ रहे हैं उसके लिए भी प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर इनका भी मन फिरने का ताकि परमेश्वर इनको भी मन फिराने का अवसर दे, ताकि ये लोग जो आज प्रभु यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, ये लोग भी प्रभु यीशु मसीह का वचन दुनिया भर में फैलाएं। प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।